हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कैलकुलस 2 बीएससी सेमेस्टर सेकंड का 2023 का क्वेश्चन पेपर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, जिसमें कि तीन पार्ट हैं, फर्स्ट ए, बी एंड सी। जो ए पार्ट है वो आपकी बुक में नहीं है जीएनडीयू की, तो इसका सोल्यूशन आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएनडीयू में पूछा गया है लेकिन आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। सेक्शन ए का है, फर्स्ट ए क्वेश्चन है तो सेक्शन ए का है। तो इसमें यूजिंग डेफिनेशन प्रूव करने के लिए बोला गया है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू जीरो, और फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, और ब्रैकेट में इसको डाला है, पहले इन दोनों का सम कर लेना है, लिमिट अप्रोच करनी है जो कि जीरो के इक्वल आएगी, लेकिन यूज़ किसका करना है, डेफिनेशन का। तो सबसे पहले हमें फंक्शन लिखना है, फंक्शन क्या है मेरा, एक्स वाई दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है जो कि मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई है। इसके बाद एक पेट लाइन है जो कि हर क्वेश्चन में सेम रहती है, वही लाइन हम लिखेंगे, वो लाइन हर क्वेश्चन में ही सेम रहेगी। लाइन है फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, एप्साइलन हमारा क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा, वी हैव पहले बोलता है गिव फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, जो हमारा एप्साइलन है वो बिल्कुल ही जीरो से ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर क्वांटिटी होगी, मतलब ऐसा नंबर जो कि जीरो से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है, जीरो भी नहीं है पूरा और ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है, 1-2 की जैसे 0.00009 इस तरह से बिल्कुल ही छोटी वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो कि जीरो के बिल्कुल नियर अबाउट है, अप्रॉक्स जीरो ही बोलेंगे लेकिन वो जीरो एग्जैक्ट है भी नहीं। ठीक है, तो टेंड्स टू जीरो बोला जाता है ऐसे नंबर्स को, है ना। तो वी हैव टू फाइंड अ रियल नंबर, वी हैव टू, मुझे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है अ रियल नंबर, अ रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा भी एप्सिलॉन की तरह एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो डेल्टा है हमारा, डेल्टा क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, सच दैट की कंडीशन क्या है, कहता है एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा डिपेंड करता हो एप्साइलन पे, लेकिन कंडीशन सच दैट, जो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हों, सच दैट कि जो एफ एक्स वाई का डिफरेंस है किसके साथ, लिमिट के साथ, और लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है ना। तो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन खुद, फंक्शन और फंक्शन की लिमिट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्साइलन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये सच दैट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सच दैट ये चीज़ होल्ड करेगी, बट इसके साथ साथ कंडीशन और भी है, वेन एवर जबकि क्या होगा, खुद फंक्शन और उसकी लिमिट की वैल्यू डिफरेंस जो है वो एप्साइलन से कम होगा, लेकिन एक्स किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को, और वाई किसको, जीरो को टेंड कर रहा है, इस तरह से जो एक्स है उसका डिफरेंस जीरो के साथ लेस देन होना चाहिए किसी डेल्टा से, सच दैट, और डिफरेंस जीरो से थोड़ा बड़ा हो। इसी तरह से वाई का डिफरेंस भी जीरो के साथ लेस देन होना चाहिए डेल्टा से। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इस एप्साइलन, इस डेल्टा की वैल्यू पता करनी है, डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन, है ना, मुझे ऐसी वैल्यू पता करनी है डेल्टा की जो कि एप्साइलन पे डिपेंडेंट हो। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही चीज़ मैं अगर दोबारा लिख दूं, पहले एफ एक्स वाई माइनस ज़ीरो लेस देन है एप्साइलन से, वेन एवर क्या होगा, ज़ीरो लेस देन ज़ीरो, एक्स माइनस ज़ीरो मतलब दोबारा एक्स ही आएगा मॉडुलस में, लेस देन हो एप्साइलन से, और मेरा जो वाई है वो क्या होगा, लेस देन डेल्टा से। तो इस कंडीशन को मुझे याद रखना है, इसका मैं यूज़ करूँगी, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा ये जो वैल्यूज़ दी हैं इसको एज इट इज़ रख के छोड़ दिया। अब मैंने अगेन किस से शुरू किया, इसी से, ठीक है, इसको नहीं देखना अभी, मुझे एप्साइलन देखना है, इसको निकालना है, सॉल्व करना है। तो मैंने एफ एक्स वाई माइनस ज़ीरो इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो एफ एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई माइनस ज़ीरो किया।
अब इन दोनों को मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, तो उसमें से जीरो मॉडुलस ऑफ एक्स पॉजिटिव नंबर प्लस सम अदर पॉजिटिव नंबर, दोनों को ऐड करूंगी पॉजिटिव नंबर, उसमें से जीरो माइनस करूंगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो अगेन मॉडुलस लगाने का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे। तो एक मॉडुलस बाहर वाला ना भी लगाएं तब भी यही रहेगा, है ना। तो सिंगल मॉडुलस ऑफ एक्स, हमारा जो सिंगल मॉडुलस है एक्स का, सिंगल मॉडुलस है वाई का, वो तो लेस देन है किससे, डेल्टा से, यहाँ लिखा है अभी, है ना। तो ये लेस देन है, ये क्वांटिटी भी लेस है किससे, डेल्टा से, ये क्वांटिटी भी लेस है किससे, डेल्टा से, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है। तो मतलब ये किसके इक्वल आ गया, टू डेल्टा के, ये इक्वल है टू डेल्टा के। ये क्वांटिटी देखो बीच में साइन किसका आ गया, लेस देन का, मतलब अगर मैं, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे तो इक्वल का साइन डाला है, इक्वल है तो मतलब ये चीज़ इसके इक्वल है, नहीं। आप ध्यान से समझना, ये रफ वर्क है, इसको लिखना नहीं है आपको अपने पेपर में, ये मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये सीधी एक लाइन में लिखते हैं एफ एक्स वाई माइनस जीरो, ये लिखा, उसके बाद मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई माइनस जीरो, ऐसे लिखा। ये बराबर है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई के, ये दोनों ही छोटे हैं डेल्टा प्लस डेल्टा से, और ये चीज़ आगे इक्वल है टू एप्साइलन से। तो इसका और इसका जब कंपेरिजन किया तो बीच में साइन लेस देन का भी तो आ रहा है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, मतलब ये सब बराबर, पर ये सारी क्वांटिटी लेस है किससे, टू डेल्टा से, तो मतलब टू डेल्टा बड़ा और ये चीज़ छोटी, तो यही तो कंपेरिजन है इसका और इसका, तो मतलब ये चीज़ छोटी और ये बड़ी, विच इम्प्लाइज एफ एक्स वाई माइनस जीरो लेस देन है किससे, टू डेल्टा से। और टू डेल्टा की जगह पे क्या होना चाहिए था, एप्साइलन, तो मतलब इसको मैं एप्साइलन टेक कर लूँ, तो मैंने कर लिया टेक कि जो एप्साइलन है वो किसके बराबर है, टू डेल्टा के, और इस डेल्टा की ही तो वैल्यू मुझे निकालनी थी, डेल्टा क्या आ गया, एप्साइलन बाय टू डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन। और अगर एप्साइलन पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको टू एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद भी तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो डेल्टा पॉजिटिव ही तो है जैसा शुरू में बोला गया था। तो मैंने ऐसा डेल्टा फाइंड कर लिया है जो कि पॉजिटिव भी है और एक्स से बड़ा भी है, वाई मॉडुलस से बड़ा भी है, और डिपेंड भी किस पे करता है, एप्साइलन पे डिपेंड करता है, विच इम्प्लाइज, दोबारा से एक बार भी लाइन लिखेंगे कि एफ एक्स वाई का डिफरेंस जीरो के साथ लेस देन है एप्साइलन से, वेन एवर क्या होगा, वेन एवर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन है डेल्टा से एंड मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन है डेल्टा से, ठीक है। तो इसका मतलब जब मुझे एप्साइलन, जो एफ एक्स का डिफरेंस एप्साइलन से छोटा है, तो हमारे देयर एग्जिस्ट कर गया एक एप्साइलन फॉर, ये लाइन भी जरूर लिखनी है, फॉर गिवन, यही दोबारा यही ऊपर वाली, फॉर गिवन, बस इस बार फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, एप्साइलन से ग्रेटर, एप्साइलन जब ज़ीरो से ग्रेटर है, हमने क्या किया, वी हैव टू फाइंड, लाइन को काट के इसकी जगह लिखूंगी, देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, एक एग्जिस्ट कर चुका है कौन, डेल्टा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा जो कि किसके इक्वल है, एप्साइलन बाय टू, और ये वैल्यू ज़ीरो से क्या है, ग्रेटर, सच दैट, और उसके बाद ये वाली लाइन, मतलब ये लाइन आएगी ऊपर और फिर ये वाली लाइन आप लिखेंगे, ठीक है, ये वाली लाइन इसके नीचे लिख देनी है सेम दोबारा, ठीक है, जगह ख़त्म हो गई है, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है। देन आपने लिख देना है लास्ट में लिमिट, ये दोबारा इसी चीज़ को लिख देना है नीचे, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं, इस लाइन को लिखने के बाद ये लाइन आएगी, उस लाइन के नीचे फिर लिखना कि लिमिट किसकी, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई की इक्वल है ज़ीरो के, अगर एक्स वाई दोनों ही किसको कन्वर्ज कर रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं, हेंस प्रूफ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका बुक में से ही है, जो कि फर्स्ट चैप्टर की ही लास्ट एक्सरसाइज, बिल्कुल जहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है तो वहाँ का क्वेश्चन है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट आया है वो है ये फाई, बस जहाँ पे एफ लिखा है वहाँ पे फाई लिखा है उन्होंने कि एफ
जी अगर दो फंक्शन है, दोनों के दोनों कॉन्टीन्यूअस है, और अगर दोनों का सम कर दो, दैट मीन्स सम ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन अगेन अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन. ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है ना. तो आपको ध्यान से इसको पढ़ें तो यही थ्योरम बनती है कि फाई एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है जो कि दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के समिशन से बना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे सबसे पहले. तो बिल्कुल ईजी सी है, इसीलिए मैं बुक से ही करवा रही हूँ. दोबारा इसी चीज़ को लिख के करवाने का कोई फ़ायदा है नहीं, वीडियो खाम खा लंबा हो जाएगा. तो एफ़ और जी आर से, आर मतलब रियल से रियल में ही, डोमेन और कोडोमेन दोनों के ही फंक्शन, दोनों फंक्शन की ही रियल और रियल ही है, कोडोमेन भी, कोडोमेन भी और डोमेन भी. ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है दोनों के दोनों. और एफ कैपिटल एफ वहाँ पे आपको टेनियर में फाई बोला गया है, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ ही रहेगा पूरा का पूरा थ्योरम. तो एफ का मतलब फाई ही है जो कि बुक आपको टेनियर में बोला गया. ठीक है, तो एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ गया है. उन्होंने बोला एफ एक्स वाई किससे बना है, एफ एक्स प्लस जी वाई से, मतलब एफ एक्स और जी वाई से बना है. प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एफ इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन. तो सबसे पहले एफ और जी तो कॉन्टीन्यूअस हैं ही, बस उनका समिशन जो है वो भी कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना है. तो मैंने लेट कर लिया अल्फा बीटा कोई रैंडम पॉइंट है आर स्क्वायर के. अगर आर स्क्वायर के पॉइंट है तो एफ मुझे पता है आर से आर में जा रहा है जो कि कॉन्टीन्यूअस है, तो अल्फा एफ के लिए काम करेगा. तो एफ जो है, एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट अल्फा, एफ जो है वो मेरा अल्फा के लिए कॉन्टीन्यूअस होगा अल्फ़ा पे. ठीक है, क्योंकि फंक्शन मेरा रियल से रियल में सभी जगह कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर, इसकी हर डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है आर से आर पे. तो आर से आर में कॉन्टीन्यूअस है, तो अल्फ़ा आर का ही अगर एलिमेंट है तो फंक्शन भी तो एफ, छोटा वाला एफ जो है वो कॉन्टीन्यूअस ही होगा ना अल्फ़ा पे, क्योंकि खुद ही बोला हमने हर रियल नंबर के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है. तो फंक्शन भी तो अल्फ़ा पे भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस. गिवन एप्साइलन ग्रेट, अब कॉन्टीन्यूअस की डेफिनेशन लगाई है, कौन सी डेफिनेशन, जो अभी पिछले क्वेश्चन में की है, एप्साइलन ग्रेटर दैन ज़ीरो एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, डेल्टा पॉजिटिव रियल का मतलब वही डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो. अब यहाँ पे डेल्टा वन क्यों यूज़ किया, क्योंकि एफ और जी दो फंक्शन है तो डेल्टा भी दो आएंगे. ठीक है, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू. तो मैंने ले लिया डेल्टा वन सच दैट जब फंक्शन की लिमिट के साथ डिफरेंस, ठीक है, लेस देन होगा एप्साइलन से, तब जो अंदर वैल्यूज़ पुट की गई हैं, मतलब एक्स और अल्फ़ा, इनका डिफरेंस क्या होगा, लेस देन होगा डेल्टा वन से. ठीक है, मतलब इमेजेस का डिफरेंस अगर एप्साइलन से कम है तो प्री इमेजेस का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा. एक्स वाई डोमेन वाली एक्स और अल्फ़ा इस साइड से हैं, और एफ एक्स एफ अल्फ़ा दूसरी साइड से हैं, ये है इनके बीच की मैपिंग, ये भी आर है, ये भी आर है, है ना. तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा वन से कम है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस एप्साइलन बाय टू से कम होगा. ठीक है, एप्साइलन बाय टू ही क्यों लिया वो आपको अभी पता चल जाएगा जब दोनों को ऐड करना पड़ेगा. तो जी जो है वो हमारा आर से आर फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस है, तो ये बीटा पे कॉन्टीन्यूअस होगा क्योंकि बीटा भी तो एक रियल नंबर लिया था. अब इसको बीटा, जी को बीटा के लिए यूज़ करना है. सच दैट एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा टू सच दैट, कॉन्टीन्यूटी की अगेन डेफिनेशन लगाई कि जब मैपिंग इधर वाई और बीटा जो है इन दोनों के बीच मैपिंग है जी, तो जी वाई का डिफरेंस जी बीटा के साथ लेस देन होगा एप्साइलन बाय टू. इसका डिफरेंस जब एप्साइलन बाय टू से कम है और इसका डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा टू से कम होगा. तो ये डेफिनेशन पूरी की पूरी लगा दी. अब मुझे क्या करना है, बस डेल्टा वन और डेल्टा टू में से जो मिनिमम डिफरेंस है उसको चूज़ करना है, ये छोटा है या ये वाला छोटा है. ठीक है, तो दोनों में से जो मिनिमम डिफरेंस होगा हम उसको डेल्टा मान लेंगे, दोनों को कंबाइन करना है इसीलिए. तो वन और टू को दोबारा लिख दूंगी, इन दोनों को दोबारा लिखना है, सेम बिल्कुल सेम, इन दोनों लाइंस को दोबारा लिखूंगी बिल्कुल सेम. लेकिन थोड़ा सा फ़र्क क्या है, जहाँ पे वन टू लिखा करती थी वहाँ पे वन टू नहीं लिखना, अब सिर्फ डेल्टा डेल्टा लिखना है, क्योंकि इन दोनों में से मिनिमम डेल्टा सेलेक्ट किया है ताकि दोनों को क्लब कर पाऊँ. तो बिल्कुल इन दोनों के लेस देन कर दिया है डेल्टा से. अब सिंपल एफ एक्स का डिफरेंस एफ अल्फ़ा बीटा से, ये इसकी लिमिट आ जाएगी, कॉन्टीन्यूस तो तभी होगा अगर लिमिट आ जाएगी, है ना. तो इसकी और इसकी डिफरेंस यहाँ पे इसका फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, एफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी वाई, है ना.
और इसी तरह से यहाँ पे दूसरी एफ अल्फा बीटा जो है इसकी लिमिट पुट कर दी एफ अल्फा जी बीटा, ठीक है, बीच में साइन माइनस का, और एफ एफ वालों को क्लब कर दूंगी इकट्ठा, और जी वाई जी बीटा को इकट्ठा कर दिया, बीच में साइन आएगा प्लस का क्योंकि माइनस वाला इसके साथ चला गया और माइनस वाला इसके साथ चला गया, तो बीच में इन दोनों के बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब ये ऑलरेडी फंक्शन कॉन्टीन्यूस था तो ये इसको इन दोनों के जो मॉडुलस है उसको अलग अलग कर दूंगी, तो हमें एक अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स याद है शुरुआत में करते थे जब फर्स्ट ईयर में, तो एक्स प्लस वाई का मॉडुलस लेस देन होता है एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, है ना। तो इसी तरह से फंक्शन दो फंक्शंस का सम का मोड लेस देन इक्वल होता है, फंक्शंस को पहले मोड कर लो फिर ऐड कर लो, है ना। तो इनको ऐड कर दिया और मॉडुलस अलग अलग किया तो ये वाली क्वांटिटी छोटी और ये वाली क्वांटिटी बड़ी। अब इसको देख के मुझे पिछले पेज पे ये जो लिखा है इसकी याद आ गई, एप्सिलॉन बाय टू एप्सिलॉन बाय टू, दोनों को उठा के ये भी लेस है एप्सिलॉन बाय टू से, ये भी एप्सिलॉन बाय टू से लेस है, तो इधर लेस का साइन ही आएगा, दोनों को ऐड किया एप्सिलॉन बाय टू और एप्सिलॉन बाय टू को, तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा, आधा और आधा ऐड करेंगे तो पूरा एप्सिलॉन ही आएगा। अब एफ एक्स वाई एफ अल्फ़ा बीटा का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है जबकि एक्स अल्फ़ा का डिफरेंस डेल्टा से कम और वाई बीटा का डिफरेंस डेल्टा से कम है, तो यही कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन है कि एफ एक्स एक्स वाई कॉन्टीन्यूस है किस पे, एफ अल्फ़ा बीटा पे, ठीक है, यहाँ पे एफ अल्फ़ा बीटा आएगा, है ना। तो ये इस तरह से डेफिनेशन बन जाएगी हमारी, थ्योरम यहाँ पे ही थ्योरम एग्जांपल है पर थ्रेटिकल है इसलिए थ्योरम के जैसी ही है बिल्कुल, तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है ये एग्जांपल। इसके बाद है नेक्स्ट, फर्स्ट का सी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि पार्शियल डेरिवेटिव की फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है पार्शियल डेरिवेटिव उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का है, बिल्कुल ही ईजी और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, साफ दिख रहा है कि डबल डेरिवेटिव्स करने हैं लेकिन पार्शली, काफ़ी बच्चों को पार्शल नहीं आती तो वो इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, अगर पार्शल डेरिवेटिव नहीं आती पहले तो डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए उसके बाद पार्शल का कंसेप्ट आना चाहिए कि किसको वेरिएबल मानना है किसको कॉन्स्टेंट मानना है। क्वेश्चन यही पूछा गया है सी पार्ट में, तो पार्शल डेरिवेटिव का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो u जो कि हमें दिया गया है सिंपल है कि log इसके बराबर है, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पे z बोला गया है तो नाम बदलने से क्या होगा, यहाँ पे z z z लिख देंगे और क्या, तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो प्रूव दैट वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट मैक्सिमम बच्चे उसको कवर कर ही लेते हैं, तो u इसके इक्वल है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको और इसको x वाले को x की हाइएस्ट डिग्री वाले ज़्यादा डिग्री वाले को इसके साथ x वाले के साथ और y के साथ y की जिसकी डिग्री ज़्यादा है टर्म की उसको इकट्ठा कर दिया। अब इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला गया, इसमें से वाई स्क्वायर को कॉमन निकाला गया है, एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल दिया तो बाहर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया, उसको एक ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देख के तो हमें आइडेंटिटी याद आ रही है किसकी, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, और एक एक्स माइनस वाई तो ऑलरेडी लगा हुआ था इस पे, तो आइडेंटिटी लगाई, ये आइडेंटिटी से आए दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की और ये पहले से लगा हुआ था, तो ये क्या बन गया, इसकी स्क्वायरिंग बन गई होल स्क्वायर में, ठीक है। अगर होल स्क्वायर बन गई है लॉग लगा हुआ है, लॉग साथ में क्या लगेगा आपको आइडेंटिटी लॉग के थोड़े से याद होंगे फॉर्मूलाज कि लॉगरिथम के फॉर्मूलाज क्या आते थे, लॉग एम प्लस m इंटू एन इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, तो यहाँ पे m इंटू एन है, m ये n ये, तो लॉग m अलग और लॉग n अलग हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे लॉग m अलग और लॉग n अलग हो जाएगा, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की यही कि m की पावर n किसके इक्वल होता है, n लॉग m के, तो यहाँ पे वही लगी जो x माइनस वाई के ऊपर टू था, जब वो x माइनस वाई के ऊपर टू आएगा तो टू आगे लग जाएगा लॉग के, है ना, तो मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही होता है, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो m आगे आ गया, n लॉग m प्लस
ये दोनों प्रोडक्ट में थे तो प्लस में आ गए। अब कुछ नहीं, जैसा जैसा बोला गया है वैसे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो यू की डबल टाइम एक्स के साथ करने के लिए बोला गया है, तो पहले मैंने एक बार पार्शियल एक्स के साथ की। एक्स के साथ पार्शली करने का मतलब लॉग और ये समथिंग जो भी है वन अपॉन नीचे आ जाएगा, और जब एक्स माइनस वाई की अगेन करूँगी तो वन आएगा, वो साथ में लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई होके फिर वन ही बनेगा, टू ही बनेगा, है ना, टू इंटू वन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वन यहाँ पे अगेन लॉग एक्स प्लस वाई है तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई ऊपर वन आ जाएगा, एक्स की करूँगी तो वन, वाई तो कॉन्स्टेंट है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। अगेन इनका एलसीएम ले लिया है, बस एलसीएम लेके जो कटते हैं आपस में, जैसे वाई टू वाई माइनस वाई तो वाई आ जाएगा, सॉल्व किया है बस। अगेन उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई की एक्स के, एक्स वाले का अगेन एक्स के साथ किया, यू अपॉन वी लगाया, तो यहाँ पे मैं यू अपॉन वी का फॉर्मूला बता दूँ कि यू अपॉन वी की डिफ्रेंसीशन का मतलब होता है वी स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज़ पहले ऊपर वी स्क्वायर, वी एज इट इज़ यू की डिफ्रेंसीशन माइनस यू एज इट इज़ वी की डिफ्रेंसीशन, ठीक है। तो डिफ्रेंसीशन ये फॉर्मूला लगाया आपके सामने, तो ये इसकी ऊपर वाले की जब डिफ्रेंसीशन एक्स के विद रिस्पेक्ट टू की तो अकेला थ्री बच गया है, और जब नीचे वाले की एक्स के साथ की तो टू एक्स बचेगा, है ना। तो पार्शल है, ध्यान रखना, पार्शल डेरिवेटिव में वाई की नहीं होगी, अगर मैं एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रही हूँ तो वाई कॉन्स्टेंट है। फिर इसका अगेन मल्टीप्लीकेशन करके जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल आउट किया है। इसके बाद u का विद रिस्पेक्ट टू हमें एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर किया है उसको सॉल्व करके इसको इक्वेशन नंबर वन मार्क कर देना है। उसके बाद u का विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी, ठीक है, y के साथ डिफ्रेंसीशन सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। y का अगेन करने के बाद y को अगेन x के साथ, जो y का है देखो अब ध्यान से सुनना, जब कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई लिखा है स्टेटमेंट में, है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कर्ल बाय कर्ल एक्स किसका, कर्ल यू बाय कर्ल वाई का, मतलब इधर से शुरू करना है, राइट टू लेफ्ट बाहर की ओर जाना है। तो पहले जो लिखा है राइट साइड की तरफ वो पहले सॉल्व होगा, उसके बाद बाहर वाला, उसके बाद और बाहर वाला, ठीक है। तो मतलब पहले मुझे u का y के साथ करना है, फिर उसका x के साथ करना है, तो वही पहले मैंने y के साथ कर लिया, फिर उसका पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ। मतलब ये जो u का आंसर y के साथ करके आया है उस पर लगाऊंगी x का डेरिवेटिव पार्शल, तो मतलब फिर से u अपॉन v लगेगा, क्यों, ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो u अपॉन v लगाया, u अपॉन v को सॉल्व कर लिया। इसके बाद पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का जो किया हुआ है उसको दोबारा y के साथ करूँगी, तो कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर वाला आ जाएगा, तो इसकी भी ज़रूरत थी। तीनों को ऐड कर दिया गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जैसे जैसे बोला गया था, तीनों को ऐड करके एलसीएम लेके जो चीज़ कॉमन आती थी कॉमन ले ली, ऊपर ऊपर वाली ऐड करके सॉल्व की हैं, जो जो कैंसिल आउट हो गया कैंसिल आउट कर दिया है, और ये जो पावर है यहाँ पे पावर्स को जब कट हो रही हैं नीचे वाली पावर ऊपर लेके आऊँगी तो ये माइनस में आ जाएगा टू, है ना, तो यही चीज़ मुझे प्रूव करनी है, ठीक है।